अंजलि इस सप्ताह यानी 20वीं सप्ताह में थोड़ा उदासी महसूस कर रही है। यह कुछ महिलाओं में अंतिम त्रैमासिका में देखा जाता है। वह अपने बढ़ते हुए वजन के बारे में सोचती है और उसे थकान ज्यादा महसूस हो रहा है। उसकी सहेली उसे कहती है कि उसे भी ऐसा ही लग रहा था। हल्का व्यायाम और सुबह और शाम के समय टहलना और साथ में योगा करना भी फायदेमंद होता है। चलते समय अगर थकान महसूस हो तो रुक जाए, चलने के लिए जबरदस्ती कोई ना करे। उसकी सहेली कहती है कि डॉक्टर बताते हैं कि वजन बढ़ने के कारण थकान और कमजोरी महसूस होना शुरू होता है। वह अंजलि को रात में भरपूर नींद लेने की कोशिश करने की सुझाव देती है और वह कहती है कि अंजलि को खुद को आराम देने और प्रसव के लिए ताकत बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। वह और एक जरूरी बात कहती है, गर्भावस्था के समय महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लेने के साथ ही अपनी देखभाल करने की बहुत जरूरत होता है। अंजलि की पति उसे कहते हैं कि क्यों ना तुम मन का सवाल या संशय है तो डॉक्टर से पूछ लो। अंतिम महीनों में अपनी देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। यदि महिला स्वस्थ होती है तो शिशु भी स्वस्थ रहेगा। उसकी सहेली कहती है कि उसे डॉक्टर बताए थे कि 30वीं सप्ताह में बच्चा बड़ा हो जाता है और अब गर्भाशय में कम जगह बची होती है, बच्चा चारों ओर ज्यादा नहीं घूम पाएगा, बच्चा बैठी हुई स्थिति में ही होता है। यह स्थिति अब बच्चे को जन्म के लिए तैयार करता है। बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो रहा है और साथ ही आंखों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया भी बच्चा शुरू कर दिया है। पलक और भौहें भी पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। शिशु की पाचन प्रणाली पूरी तरह से विकसित हो चुका है। तो अब अंजलि के 31वें सप्ताह में क्या होता है, इसे हम अगले सप्ताह में जरूर देखेंगे। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए